हम नहीं ले सकते पैसे, हमें पैसे का लालच नहीं बिल्कुल है। हम गरीबी अपनी झेल लेंगे और झेलते चले आए हैं, मगर किसी पैसे का लालच मांगे झूठ नहीं बोलेंगे। महेश को धमकी क्यों दी? ये उन्नाव का माखी गांव है, जहां पुलिस और गांव वाले आमने सामने हैं। पुलिस चाहती है कि सीबीआई के गवाह यूनुस के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि मौत की सही वजह का पता चल सके, लेकिन परिवार वाले इसकी इजाजत नहीं दे रहे। कल रात से ही गांव में तनाव बना है। खुद एसडीएम परिवार की महिलाओं को समझा रही है, सीओ भी मौके पर मौजूद है, घर वाले मानने को तैयार नहीं। पीएम कराने के लिए निर्देशित किया गया है कि इस जांच की गहनता से, इस बात की गहनता से जांच की जाए, इसी बाबत पीएम कराने की बात कही गई है। तो इस संबंध में बात की जा रही है, उनका कंसेंट जरूरी है, परिवार वालों से बात की जा रही है। क्या कोई अगर तुम्हारी बिरादरी में खत्म हो जाएगा, जला दिया जाएगा, उसको बाद में जिंदा करके कर लोगे? इस्लाम हमारा कहता है जो एक बार हो जाता है, मतलब दफनिया जाता है आदमी, दोबारा खोदा नहीं जाता है, हम खोदने नहीं देंगे। इस बीच मौत से ठीक पहले यूनुस का आखिरी वीडियो सामने आया है। वीडियो में यूनुस काफी बीमार दिख रहा है। यूनुस की मौत 18 अगस्त को हुई थी। पहले आरोप लगा कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन बाद में परिवार ने दावा किया कि मौत बीमारी से हुई है। विपक्ष ने बीजेपी को घेरा है। क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट संज्ञान में है और उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, मुझे पूरा विश्वास है इस शब्दीज गवाह की मौत का संज्ञान इलाहाबाद हाईकोर्ट लेगा। देखिए बीजेपी जिस जिस ओर है, दुशासन का जोर है, बेटी कमजोर है, सरकार मुंह चोर है, सरकार मुंह छुपाते फिर रही है, सरकार को जवाब देना चाहिए कि ये क्यों हुआ। यूनुस रेप पीड़ित के पिता की मौत के मामले में गवाह था। रेप कांड में विधायक कुलदीप सेंगर आरोपी है।